सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जहां पर महाराष्ट्र कैबिनेट का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला तय किया गया है, जिसके तहत एनसीपी के 16, शिवसेना के 14 और कांग्रेस के 13 नेता मंत्री बन सकते हैं। तो विभागों के नामों को लेकर अब तक हालांकि कहा जा रहा है कि मुहर नहीं लगी है, लेकिन फैसला इस पर जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। तो जब से शपथ ली है, हालांकि उस शपथ से पहले भी जब सरकार बनाने की बातें चल रही थी, तब से लेकर अब तक फॉर्मूला तय किया जा रहा है कि आखिरकार जो तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बना रही हैं, उसमें मंत्रियों का और विभागों का जो फॉर्मूला है वो आखिरकार कैसा चलेगा। लेकिन फिलहाल जो एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसके तहत कहा जा रहा है कि एनसीपी के 16, शिवसेना के 15 और कांग्रेस के पास 12 मंत्रालय जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, 16 एनसीपी, शिवसेना 14 और कांग्रेस 13। तो ये एक फॉर्मूला यहां पर बतलाया जा रहा है, जो एक नया फॉर्मूला तय किया गया है महाराष्ट्र कैबिनेट का। चूंकि काफी वक्त से मंत्रालयों को लेकर रस्साकशी चल रही थी, लेकिन अब भी हम कह सकते हैं कि ये शायद रस्साकशी और भी जारी रहे, क्योंकि मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो यहां पर तय नहीं हुआ है। सिर्फ मंत्री किसके कितने होंगे, किस पार्टी के कितने होंगे, इसको लेकर सहमति यहां पर बनी है और कहा जा रहा है कि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगभग तय कर लिया गया है। लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, उसमें रार तकरार या रस्साकशी अब भी यहां पर चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही उस पर भी मोहर लग जाएगी और फैसला जल्द ही सामने आ जाएगा।